अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद और आप देख रहे हैं पीके यूट्यूब चैनल। जिन उम्मीदवारों के अभी तक पासपोर्ट नहीं बने या उनके पासपोर्ट एक्सपायर हो गए हैं, तो उनके लिए हम एक नई खबर लेके आए हैं, बल्कि बड़ी खबर लेके आए हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान इमिग्रेशन ऑफिस ने ये पासपोर्ट जो है ना वो बनाने के लिए इजाजत दे दी है। अब ये ऑफिस जो है वो सुबह 10 बजे से लेकर दिन 1 बजे तक खुले रहेंगे और ये तमाम पासपोर्ट आप अर्जेंट बेस पे बना सकते हैं। यानी जिन उम्मीदवारों ने अभी टेस्ट के लिए अप्लाई किया था और उनकी रजिस्ट्रेशन आ गई है, तो वो अपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप अपने नए पासपोर्ट बना सकते हैं। ये पासपोर्ट आपके अर्जेंट बनेंगे, इसकी खबर भी आपको दिखा सकते हैं। लॉकडाउन के बायस बंद इमिग्रेशन और पासपोर्ट दफातर खुल गए। दोपहर 1 बजे तक काम होगा। 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद का दाखिला ममनू। पासपोर्ट सिर्फ अर्जेंट फीस के साथ जमा करवाए जा सकते हैं। SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार। के जिन लोगों के पासपोर्ट नहीं बने थे, वो अपने पासपोर्ट बनाकर अगर उनका अपना टाइम गुजर भी जाता है तो वो यकम में ही तक अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इनके लिए कोई मसला नहीं है कि अगर उनकी जो रजिस्ट्रेशन है, फर्ज करें उनकी 16 जून, 17 जून या समथिंग ऐसे है, लेकिन उनका जो पासपोर्ट है वो थोड़ा लेट बन रहा है, लेकिन यकम जुलाई से पहले बन रहा है, तो ऐसे लोग यकम जुलाई तक अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो पाकिस्तान से पासपोर्ट जो है वो बनना शुरू हो गए हैं। तो अब आप जल्दी से अपने पासपोर्ट बनाइए और रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।